नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। देश और दुनिया की तमाम खास खबरें। देश में कोरोना संक्रमितों के मामले कम होते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.14 लाख नए मामले दर्ज किए गए, जो 2 महीने में सबसे कम है। वहीं कोरोना केसों के मामलों में गिरावट के साथ ही कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। यूपी में अब सिर्फ 4 जिलों में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम हो गई है। अब सिर्फ लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश के 71 जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है इन 4 जिलों में भी छूट मिल सकती है। तो कोरोना को लेकर लगातार टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, सभी जिलों की समीक्षा कर रहे हैं कि वहां पर इस वक्त मौजूदा में कितने कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर ही छूट दी जा रही है। और इन छूटों में अब 71 जिले शामिल हो गए हैं जिन्हें अनलॉक कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा, लेकिन छूट दी गई है, अनलॉक कर दिया गया है। वहीं अभी 4 जिले जो हैं, अभी भी वो वहां पर 600 से अधिक केसेस होने के चलते उन्हें अनलॉक की स्थिति में नहीं लाया जा रहा है। तो आज भी टीम 9 की बैठक हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की समीक्षा कर रहे हैं और इस बैठक में किस तरह से आगे क्या छूट दी जाए उसको लेकर मंथन किया जा रहा है। तो वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, टीम 9 के साथ बैठक हो रही है लगातार, क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है? जो 4 जिले हैं, क्या उन्हें भी कुछ छूट मिल सकती है? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो काफी दिनों से अनलॉक की स्थिति में था, अब धीरे लॉक की स्थिति में था, लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के अभी भी 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 600 से ज्यादा केस हैं, एक्टिव केस के मामले जहां पर ज्यादा हैं, 600 से ज्यादा हैं, उन 4 जिलों पर अभी भी प्रतिबंध है, लेकिन उन पे भी एक्टिव केस जो है लगातार कम हो रहे हैं। इसको लेकर एक सीएम योगी जो है वो टीम 9 के साथ बैठक कर रहे हैं और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है इन 4 जिलों में भी छूट मिल जाए, क्योंकि लखनऊ में अब जो है एक्टिव केस जो है वो 800 रह गए हैं। तो जहां तक लगता है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर यहां पर अनलॉक की स्थिति हो सकती है, लखनऊ, राजधानी लखनऊ भी खुल सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह यूपी में केस बढ़े थे और उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन लगाया था, आंशिक कर्फ्यू लगाया था और हर जगह पे पहले साप्ताहिक बंदी शुरुआत में साप्ताहिक बंदी हुई, उसके बाद जब केस और बढ़ने के मौतों का सिलसिला बढ़ा, जाके सीएम योगी ने आंशिक कर्फ्यू लगाया और आंशिक कर्फ्यू लगाने के बाद जब उसका परिणाम आए तो यूपी में जो केस थे वो कम होते चले गए। तो जिसको देखते हुए लॉकडाउन जो है सीएम योगी ने कई चरणों में जारी रखा था। किस परिस्थिति में अभी जहां पर अनलॉक किया गया है वहां पर क्या क्या छूट मिली और जहां पर अभी लॉकडाउन है क्या उसमें कुछ ढील दी जा सकती है टीम 9 की बैठक के बाद? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो 71 जिले हैं और वहां पर जिस तरीके से पहले चल रहा था साप्ताहिक बंदी, जो शनिवार और रविवार की जो बंदी थी वो जारी रहेगी और सुबह 7 बजे से दुकान खोलने के जो आदेश थे वैसे ही आदेश वहां पर रहेंगे। हालांकि छूट जरूर दी जा रही है, टीम 9 की बैठक में सीएम योगी जो है वो निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों की छूट दी जाए, लेकिन जो कड़ाई पहले थी वही लागू रहेगी। मास्क अनिवार्य रहेगा पब्लिक प्लेस पर और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का हर जगह पर पालन करने के आदेश थे वो लगातार वैसे ही पालन करने के निर्देश जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए जा रहे हैं। क्योंकि बताना चाहूंगा कि अगर चीजें अनलॉक हो रही है और लोगों की लापरवाही अगर जारी रही तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश फिर से लॉकडाउन की स्थिति में चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर भीड़ जो है वो राजधानी लखनऊ में देखी जा रही है। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि राजधानी लखनऊ जो है वो अभी अनलॉक की स्थिति में नहीं है, यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ, एंट्री कर्फ्यू लगा हुआ है, बावजूद इसके यहाँ पर रोड लाइट चल रही है। इसका मतलब साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं भारी ट्रैफिक की वजह से जो रोडों पे लाइट जलाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक तरीके से लापरवाही बरती जा रही है यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा, जो कहीं ना कहीं एक स्थिति ये भी आ सकती है कि फिर से लखनऊ में केस बढ़ने लगे या फिर यूपी में केस बढ़ने लगे, क्योंकि केस जैसे ही कम होने लगते हैं लोगों के द्वारा लापरवाही जारी हो जाती है और जिला प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपनी ढील देता रहता है, इसके चलते जो है केस एक बार फिर
जो है वो बढ़ने लगते हैं। ये देखा गया था पिछले जब कोरोना की जो दूसरी लहर आई तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही थी वो पूरे भारत में देखी गई थी, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क हो। लोगों ने मास्क लगाना जो है अनिवार्य नहीं समझा, लोगों ने जरूरी नहीं समझा, वैक्सीनेशन के लिए भी लोग आगे नहीं आए। एक तरह से गवर्नमेंट ने भी वैक्सीन पर इतनी जो है जोर नहीं दिया, लोगों को वैक्सीन के लिए उकसाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो दूसरी लहर में जो लापरवाही बरती गई पूरी तरीके से, उसका जो परिणाम जो लोगों को भुगतने पड़े उसके देखने के बाद अब जो है सरकार भी वैक्सीन पर जो है जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट जो है वो एक प्रोग्राम चलाने जा रही है जो इसमें सांसद और विधायकों को इसके और बूथ स्तर पर इसकी जिम्मेदारी दी गई है ताकि जो वैक्सीन का जो कार्यक्रम है वो तेजी से सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया जिस कारण जो है वैक्सीन से भी अब जोर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही के चलते केस जो बढ़े थे अब उन लापरवाही पर काम किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से देखा जाए तो लखनऊ में जो अनलॉक नहीं है, बावजूद इसके ट्रैफिक इतना ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है जिला प्रशासन की। स्थिति इस वक्त देखी जा सकती है तमाम जिलों में, साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में जहां पर इस वक्त जरूरी हो गया है लोगों को वैक्सीनेट करना, तो किस तरह की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर, जो ये प्रक्रिया है ये किस तरह से चल रही है? देखिए वैक्सीन को लेकर आपको फिर बताना चाहूंगा कि कोविन पोर्टल ऐप जिसको लेकर तमाम बवाल मचा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार से नाराज दिखाई दे रहा है, उस पोर्टल को जो लेकर बवाल चल रहा है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता की जो कमी है, कहीं ना कहीं इंटरनेट का अभाव है वहाँ पर, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं जो जुड़े नहीं है। और खासकर ये भी बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रांतियां तमाम तरीके की फैली है कि अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो हम मर जाएंगे, तो इस तरह की जो तमाम भ्रांतियां फैली है गाँव में, तो उसको भी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों को वैक्सीनेट करने का। क्योंकि बाराबंकी में, यही लखनऊ से सटे बाराबंकी में, ज्यादा दूर की बात नहीं बताऊंगा आपको, ये लखनऊ से बिल्कुल सटा बाराबंकी है, यहाँ पर जब टीम जाती है वैक्सीन करने के लिए एक गांव में, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो नदी में कूद जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी एक फेस करनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को और वैक्सीनेशन करने की टीम को। तो ये जो तमाम चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी को लेकर ये बोला था कि वैक्सीन का प्रोग्राम आपको चलाने से पहले लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, गाँव गाँव जाके आपको पहले उस वैक्सीन के बारे में ग्रामीणों को बताना पड़ेगा, पंचायत स्तर पर इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि ग्राम प्रधान को इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि जो वैक्सीनेशन है, दूसरी डोज जिन्हें लेनी है उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो ग्राउंड लेवल पर नहीं नजर आ रही ना, क्योंकि लगातार बोला जा रहा था कि पहले जिन्हें कोवैक्सीन लगा दी गई थी उनकी कमी कोवैक्सीन के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो इस वक्त वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर किस तरह की अपडेट सामने आ रही है? देखिए वैक्सीन की जो आपूर्ति है, वैक्सीन की कमी जो है वो देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन कोवैक्सीन पहले और कोविशील्ड दोनों ही लगाई जा रही थी, लेकिन इस वक्त अगर उत्तर प्रदेश के जिलों में बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के हर जिले में, खास यहाँ तक की राजधानी लखनऊ में भी कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है। कई जगह पर कोविशील्ड ही अवेलेबल है जो लगाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वैक्सीन की भी जो कमी है वो भारत में और कई भारत के, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है और भारत के अन्य राज्यों में भी, खासकर जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेश जो नहीं है वहाँ पे भी, जो राज्य नहीं है सॉरी, वहाँ पे भी जो ये वैक्सीन की कमी है उसके उसकी जो बात है वो सामने आ रही है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे ये आपकी राजधानी लखनऊ हो, यहाँ पर वैक्सीन की जो कमी है वो लगातार सामने आई रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं कोवैक्सीन की कमी और कोविशील्ड को लेकर लोगों का इतना विश्वास नहीं है या कह लिए कोविशील्ड लोग लगवाना नहीं चाह रहे, इसलिए जो वैक्सीन की कमी है वो कम हो रही है। ठीक है, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, साथ ही साथ आप टीम 9 की जो बैठक चल रही है योगी के साथ उस पर नजर बनाए रखिए कि किस तरह की अपडेट सामने आती है, और लगातार जनता को भी अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त भी टीम 9 की बैठक चालू है जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे हैं कि जिन 4 जिलों में कोरोना के केसेस 600 से ऊपर है वहां पर किस तरह की छूट दी जाए, या वहां पर जो कोरोना का लॉकडाउन है उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आज 7 तारीख को लॉकडाउन खत्म होने वाला है, या इसे और बढ़ाया जाता है, इसको लेकर मंथन जारी। और लगातार हमारे संवाददाता टीम 9 की बैठक पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं।
तो टीम 9 की बैठक जारी है, वहीं आगे बढ़ते हैं और जिले में आज से शासन के आदेश पर महिलाओं के लिए विशेष कैंपों का आयोजन होने जा रहा है। महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ बनाकर टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए भी ऑनलाइन बुकिंग होगी। महिलाओं के लिए तय 2 बूथों में रोज 200 का टीकाकरण होगा। बता दें कि शासन ने महिलाओं को अलग से उनके बूथों पर टीकाकरण के लिए पिंक बूथों का बनाने का आदेश जारी किए थे और अब इस आदेश के बाद जिले में 2 स्पेशल पिंक बूथ बना दिए गए हैं। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये पिंक बूथ की तस्वीरें हैं जहां पर महिलाओं के लिए ये पिंक बूथ बनाए गए हैं। अभिषेक मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार आप ग्राउंड स्तर पर हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, पिंक बूथ बनाया गया उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं वहां पर? बिल्कुल कृति, आपसे बताना चाहेंगे कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के साथ युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हाल फिलहाल में जो आंकड़े सामने आए हैं, करीब 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन किया गया है। इसके बाद इसकी समीक्षा बैठक हुई जिसमें ये निकल के आया कि महिलाओं में वैक्सीनेशन को लेकर अभी काफी अभाव है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किए कि 7 दिन से पिंक बूथ बनाए जाए जिसमें महिलाओं को विशेषकर वैक्सीनेशन किया जाए। इसमें 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं तथा 45 वर्ष से उससे ऊपर की वृद्ध महिलाओं तक को वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। जी ठीक है अभिषेक, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या महिलाएं अभी फिलहाल वहां पर पहुंच रही है पिंक बूथ पर, उस तरह की कोई व्यवस्थाएं देखी जा रही, क्योंकि 200 का लक्ष्य रखा हुआ है प्रतिदिन महिलाओं को वैक्सीनेट करने का, तो महिलाओं के अंदर किस तरह की जागरूकता देखी जा रही है? क्या पिंक बूथ जो है वो शहरी इलाकों में ही बनाए गए हैं या फिर ग्रामीण इलाकों में भी इस चीज की व्यवस्था की गई है? जी कृति, आपको बताना चाहेंगे, ये पूरे प्रदेश स्तर से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जितने भी शहरों में गाँव में पीएससी है उनमें 2-2 बूथ 2 कार्यकर्ताओं को लगाकर, इस मेडिकल नर्सेज को लगाकर इस पिंक बूथ के लिए कार्यरत किया गया है। साथ ही प्रतिदिन प्रति बूथ 200 का आंकड़ा रखा गया है। मतलब सरकार जल्द से जल्द ये चाहती है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा मात्राओं में महिलाओं में वैक्सीनेशन का कार्य पूरी किया गया और महिलाओं में ज्यादा उत्सुकता भी है। पिंक बूथ बन जाने से लोगों में एक जागरूकता भी है, लड़कियां और महिलाएं पहुंच भी रही है पिंक बूथ पर, अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है हाल फिलहाल में। बिल्कुल अभिषेक, पिंक बूथ बनाया गया है लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में जो भ्रांतियां फैली हैं, तो वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर कई तरह की भ्रांतियां, उससे भी लोग डर रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या महिलाएं बढ़ चढ़ कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लेंगी? क्योंकि ग्रामीण स्तर पर तो कई तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर, लोग डर रहे हैं वैक्सीनेट होने से। जी बिल्कुल, आपसे बताना चाहेंगे, इसके सरकार द्वारा कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लगातार सरकार इस पर कार्य कर रही है। लगातार वर्चुअल मीटिंग ले रही है डीएमओ को, तहसीलदार स्तर के लोगों को, वहां के अधिकारियों को बोला गया है कि लोगों में जागरूकता फैलाएं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय में जल्द से जल्द हमको लगता है कि वैक्सीनेशन का कार्य होगा और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम आप जानकारी लेते रहिए पिंक बूथ पर किस तरह से ग्राउंड लेवल पर। तो हमारे संवाददाता थे जिन्होंने बताया कि पिंक बूथ जो है वो आज से सुचारू रूप से उसे चालू किया जाएगा। इसी के साथ आगे पिंक बूथ पर महिलाएं कितना बढ़ चढ़ का हिस्सा लेती है उसको भी देखना अहम माना जा रहा है और लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड लेवल पर जाकर पिंक बूथों को देख रहे हैं, जांच रहे हैं कि वहां पर किस तरह से सरकार की तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्योंकि योगी सरकार महिला सशक्तिकरण के नारे देती है, तो ये भी अहम होगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो ये पिंक बूथ बनाए गए हैं जिसमें सिर्फ महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा, तो इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं कि नहीं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इसे सुचारू रूप से चलाना एक बड़ी चुनौती होगी इन तमाम भ्रांतियों के बीच। वहीं आगे बढ़ते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही पंचायत के पदों पर कब्जे को लेकर खूनी खेल शुरू हो गया है। मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर पत्नी का नामांकन कराने के बाद घर वापस लौटे प्रत्याशी पति की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बता दें कि आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए युवक को मौत के घाट उतार दिया। हमले में युवक का पिता और भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और उसके बेटे सहित कई रिश्तेदारों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को अंकित कर गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
यूपी के गोरखपुर जिले में रविवार को दो बड़ी मुठभेड़ हुई। 12 घंटे के अंदर हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। पहली मुठभेड़ में पुलिस की गोलाबारी में खान मुबारक का शूटर ढेर हो गया, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। वहीं गुलरिहा में देर रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने दो लुटेरों को घायल कर दिया। दोनों लुटेरों के पैर में गोली लगी है। बता दें कि पहली मुठभेड़ दोपहर करीब 2:30 बजे हुई। पुलिस आरोपी को अंबेडकर जिले के बसपा नेता जुर्गाम मेहंदी हत्याकांड का अंजाम देने के आरोप में तलाश रही थी, तभी से वो फरार चल रहा था। एनकाउंटर में बाइक सवार और उसका एक साथी भागने में सफल रहा। जानकारी दे दे कि अंबेडकर नगर जिले में हीरापुर बाजार के पास 15 अक्टूबर 2018 की सुबह करीब 10 बजे असलाहधारी बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर बसपा नेता जुर्गाम मेहंदी और उनके चालक की हत्या कर दी थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मत जाएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।